बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी के बाद सोने के अहकाम, तखीर और अजाब कब्र। हजरत सैयदिना अबू सलमान रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका से पूछा कि नबी रहमत शफी उम्मत ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जनाबत की हालत में सोते थे, तो इन्होंने बताया हाँ और वजू फरमा लेते थे। हजरत सैयदिना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदिना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने रसूल अकरम नूरे मुजस्सिम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया, रात में कभी जनाबत हो जाती है तो क्या क्या किया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजू करके अजुए खास को धोकर सो जाया करे। शरीय बुखारी हजरत इलामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्ला मस्कुरा अहादीस मुबारक के तहत फरमाते हैं कि जुम्बी होने यानी गुसल फर्ज होने के बाद अगर सोना चाहें तो मुस्तहब है कि वजू करें। फौरन गुसल करना वाजिब नहीं, अलबत्त इतनी तखीर ना करें कि नमाज का वक्त निकल जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला से अबू दाऊद नसाई वगैरह में मरवरी है कि फरमाया, उस घर में फरिश्ते नहीं जाते जिसमें तस्वीर या कुत्ता या जम्बी यानी बेगुसल हो। इस अहदीस से मुराद यही है कि इतनी तखीर तक गुसल ना करें कि नमाज का वक्त निकल जाए और वह जुम्बी यानी बेगुसल रहने का आदि हो। और यही मतलब बुजुर्गों के इस अरशाद का है कि हालत जनाबत में खाने पीने से रिजक में तंगी होती है। चुनाचा बहार शरीयत में है, जिस पर गुस्ल वाजिब है अगर वो इतनी देर कर चुकी कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया तो अब फौरन नहाना फर्ज है। अब तखीर करेगी तो गुनहगार होगी। हजरत सैयदीना अबान बिन अब्दुल्ला रहमतुल्ला अलैह फरमाते हैं, हमारा एक पड़ोसी मर गया तो हम कफन दफन में शरीक हुए। जब कब्र खोदी गई तो इसमें बिल्ली की मसल एक जानवर था, हमने इसको मारा मगर वो ना हटा। चुनाचा दूसरी कब्र खोदी गई तो इसमें भी वही बिल्ला मौजूद था, इसके साथ भी वही किया गया जो पहले के साथ किया गया था, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। इसके बाद तीसरी कब्र खोदी गई तो इसमें भी यही मामला हुआ। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि अब इसको इसी कब्र में दफन कर दो। जब इसको दफन कर दिया गया तो कब्र में से एक खौफनाक आवाज सुनी गई, तो हम इस शख्स की बेवा के पास गए, इससे मरने वाले के बारे में दरियाफ्त किया कि इसका अमल क्या था। बेवा ने बताया, वो गुस्ले जनाबत यानी फर्ज गुसल नहीं करता था। जी नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतरीन वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।